आपने तो जो है मन बना लिया है, गुजरात में जितनी भी पॉसिबल रेवड़ियां हो सकती है सारी बांटने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल जी ने जो अभी एक टाउन हॉल मीटिंग की थी वहां पर, जो आपने देखा ही होगा, ऑटो वाले के घर जाके उन्होंने खाना खाया, वहां के जो सरपंच थे, लॉयर्स थे, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन सबके साथ एक टाउन हॉल मीटिंग की उन्होंने, एक कमरे में बिठाया और वहां पे जो है अच्छा सा रिकॉर्डिंग किया उन्होंने अपने भाषणों को। उन्होंने सारी चीजें फ्री देने की बात कर दी है, भैया तुम 200 यूनिट तक तो बिजली फ्री ले लो, पानी फ्री ले लो कुछ यूनिट के लिए, चिकित्सा फ्री, एजुकेशन फ्री, और भी कई सारी जो है नौकरियों से रिलेटेड बातें की उन्होंने। औरतों को जो है, हर औरत को वहाँ पे 1,000 रुपये महीना देने का वादा किया है, बेरोजगारों को हर महीना 3,000 रुपये देने का वादा किया है, सभी तरह के वादे जितने भी पॉसिबल कर सकते थे उन्होंने कर लिया है। तो ये सारी बातों को देखते हुए क्या इस बार जो है गुजरात में आम आदमी पार्टी बीजेपी को बाहर फेंक देने वाली है, या बीजेपी अपना गढ़ को बचा पाएगी, ये सारा कंपैरिजन इस वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। मैंने थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एनालाइज किया है, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेशन या एनालिसिस पसंद आएगा तो आप जो है कमेंट बॉक्स में थोड़ा लिख के बताइएगा। बाकी अभी देख लेते हैं कि पंजाब में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया था। तो यहाँ तो धुआंधार परफॉर्म किया था इन्होंने, 92 सीट्स जो है इन्होंने इस बार 2022 के जब चुनाव हुए गुजरात पंजाब के अंदर, तो यहाँ पे 92 सीटों को इन्होंने यहाँ पे जीत लिया। सबसे बेकार हालत तो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, और शिरोमणि अकाली दल जो कि बीजेपी के अलायंस को तोड़ करके चुनाव लड़ रहा था उसकी भी बुरी हालत हुई, और सभी जो लड़ रही थी पार्टियां सबकी हालत खराब थी। कांग्रेस ने फिर भी जो है गिनी चुनी 18 सीटें जीत पाए थे, हालांकि जो सरकार थी चुनाव से पहले वो कांग्रेस की ही थी और अमरिंदर साहब जो है उसमें सीएम थे, लेकिन अचानक से पता नहीं सोनिया जी को क्या हुआ, सिर्फ चुनाव के 2-3 महीने पहले अमरिंदर जी को फोन किया और कहा कि भाई तुम तो हमारी कांग्रेस की लुटिया तो बहुत हो गई पंजाब के अंदर, तुम जो है स्टेप डाउन कर लो, तुम सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर दो। इनको आया गुस्सा, इन्होंने पूरी कांग्रेस से ही रिजाइन मार दिया। अब मैडम सोनिया जी ने जो है चन्नी साहब को सीएम की कुर्सी पे बिठा दिया। अब चन्नी साहब को भी पहले से पता था, भैया मैं तो 2-3 महीने में ऐसा क्या ही उखाड़ लूंगा कि जो है अगली बार कांग्रेस को मैं अपने बलबूते पे ले आऊं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू साहब बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि नहीं, मैं इस बार जो है पंजाब में अपना सीएम लेके आऊंगा, कैप्टन अमरिंदर साहब को हटा दो, मुझे जो है नेक्स्ट टाइम सीएम बना देना, मैं जो है कांग्रेस को जितवा दूंगा। लेकिन भाई इन्होंने तो गुरु गुरु करके जो है बड़ी बड़ी बातें करी, लेकिन जनता इनकी बातों में आई नहीं। फायदा सबसे ज्यादा हुआ केजरीवाल जी को, और नुकसान तो बीजेपी को हो ही रहा था पहले से, क्योंकि वो जो है बैकफुट पे चल रहे थे किसान आंदोलनों की वजह से, उसकी बात हम आगे करने भी वाले हैं। तो पिछला रिकॉर्ड देख लेते हैं, 2017 में गुजरात में बीजेपी ने कैसा परफॉर्म किया है। तो वहां इन्होंने जो है 182 में से 99 सीटें जीत के रखी हुई हैं पिछली चुनाव में 2017 में। तब आम आदमी पार्टी भैया एक सीट भी ना जीत पाई, और 0 सीट के साथ वहां पे उन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला था पिछली बार। सबसे जो बड़ी पार्टी बीजेपी के बाद निकल के आती है वो कांग्रेस ही निकल के आती है, बेसिकली वहां पे जितने मुस्लिम वोटर्स हैं वो कांग्रेस को ही वोट देते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी मुझे लगता है कि कांग्रेस का खेल बिगाड़ने वाली है वहां पे, जो मुस्लिम वोटर से हो सकता है कुछ आम आदमी के साथ चले जाए, और कुछ जो कांग्रेस के भी कोर वोटर से वो शायद आम आदमी की तरफ खिसक सकते हैं, लेकिन जो बीजेपी का कोर वोटर है, हिंदू, कट्टर हिंदू, ये सब बातें जो है वहां पे ज्यादा चलती हैं। तो मुझे लगता है कि पॉसिबली भारतीय जनता पार्टी की सीटें यहाँ पे बढ़ सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस की सीटों के साथ कटाव ज्यादा पेश करने वाली है, इनको ही ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली कांग्रेस को, मुझे ऐसा पर्सनली लग रहा है। बाकी आपको कोई डिफरेंट राय तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। तो भैया जैसे ही सीएम की कुर्सी खाली की थी ये प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 2012-13 के इलेक्शन के बाद, तो उस टाइम तो आनंदीबेन पटेल को बना दिया था उन्होंने, 2 साल 2.5 साल इन्होंने 2 साल 2 साल 77 दिन की जो है उन्होंने सरकार चलाई, और अभी जो है ये आनंदीबेन पटेल साहब आपको पता ही है कि यूपी की जो है राज्यपाल बनी हुई है, और विजय रूपानी जी को उसके बाद बनाया था, लेकिन उनके बाद उन्होंने जो है सिर्फ 5 साल का शासन किया है, और उसके बाद जो इनको हटा करके जो है भूपेंद्र भाई पटेल को बना दिया था सीएम पिछले साल 13 सितंबर 2021 को। अब मुझे लगता है कि इन्हीं के अंडर में जो है दिसंबर 2022 में जब चुनाव होगा तो इन्हीं के अंडर में जो है बीजेपी चुनाव लड़ने वाली है अगले 6 से 8 महीने में, तो जो है वो भी नहीं बचा, 6 महीने, 3 महीने का टाइम बचा है, 3 महीने में तो मुझे नहीं लगता कि जो अब
बीजेपी कोई और सीएम कैंडिडेट यहाँ पे चेंज करने वाले, तो डेफिनेटली इनके अंडर लीडरशिप में ही लड़ा जाएगा और यही जो है आगे चल के सीएम बनने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। अब देखो हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कि पंजाब में क्या हुआ था और गुजरात में क्या सिनारियो बनता है। तो पंजाब में तो भाई सीधा सीधा जो है वहाँ के वादे जो थे वो ठीक है, पब्लिक ने वादे स्वीकार किए होंगे कि भाई फ्री एजुकेशन होना चाहिए, फ्री हेल्थ केयर होना चाहिए, बाकी और भी कुछ कुछ जो बातें हैं वो होनी चाहिए पंजाब में। किसानों के लिए उन्होंने जो है MSP वगैरह की कई सारी वादे किए थे, लेकिन जो मेन नुकसान हुआ था गुजरात में पंजाब के अंदर बीजेपी को वो किसान आंदोलनों की वजह से हुआ था। और वहां पे जो है PM की रैली हो भी ना पाई थी और कई लोगों का कहना था तो कि PM उस रैली में जाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि वहां पे जो है सीटें खाली पड़ी हुई थी। इस तरह की कई सारी बातें हमने पिछले साल की न्यूज में देखा ही था। इस बार गुजरात के जब चुनाव होंगे तो गुजरात में जो मेन पॉइंट रहेगा कि जो पार्टी है वहां पे हिंदुत्व के बेसिस पे लड़ती है, तो इस बार भी जरूर हिंदू मुस्लिम होने ही वाला है। तो केजरीवाल जी जरूर चुनावों के टाइम पे कभी हिंदू बन जाते हैं कभी मुस्लिम बन जाते हैं, तो गुजरात की जनता के बीच में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी बन सकती है कि यार ये कभी तो किस साइड चले जाते हैं कभी किस साइड चले जाते हैं, तो हिंदू मुस्लिम जैसा फैक्टर तो रह सकता है क्योंकि केजरीवाल जी के ऊपर कोई ज्यादा इस मैटर पे लोग भरोसा करते नहीं क्योंकि ये पलटी मार लेते हैं अपने हिसाब से, जहां चुनाव में जहां इनको जैसा लगता है वैसा बन जाते हैं। तो और बीजेपी तो कट्टर हिंदू है ही, उन्हें तो मुस्लिम के वोट्स लगता है चाहिए ही नहीं, भगवान जाने वो पहले से ही डिसाइड करके बैठे भाई हमें तो ना मिले तो ना मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो हिंदुओं का वोट चाहिए, ऐसा करके उनका पॉलिटिक्स चलता है। गुजरात में भी वही चलता है और शायद अभी वो देश में भी वही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी केजरीवाल जी का जो स्ट्रांग पॉइंट बनता है वो इनके वादे ही हैं, इनकी जो गारंटी है गुजरात के अंदर कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए और दिल्ली की तरह गुजरात में भी शानदार स्कूल बनाएंगे। हालांकि स्कूल के बनाने के मामले में मनीष सिसोदिया जी ने जो काम किया है वो सच में अच्छा है। अगर आप देखेंगे उनके स्कूल तो डेफिनेटली उनके स्कूल के ऊपर उन्होंने अपने बजट का काफी अच्छा खर्चा किया है और वो होना भी चाहिए। अगर केजरीवाल जी को अगर कोई चाहता है गुजरात में लाना तो वो डेफिनेटली इन्हीं बातों के ऊपर लेके आएगा कि उन्होंने जो शिक्षा के अंदर अच्छा काम किया है। बेसिकली उन्होंने कोई शिक्षक बदले भी नहीं है, जो सरकारी स्कूल के टीचर पहले काम कर रहे हैं उन्हीं को ही रखा हुआ है, सिर्फ उन्हीं को तो सहूलियत दी है, उनको जो है ट्रेनिंग वगैरह दी है ताकि वो अच्छी एजुकेशन दे। और एजुकेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे स्कूल में जो इन्होंने खर्चा किया है, पैसा लगाया है, डेस्क वगैरह कितनी अच्छी बनाई है, सारा कुछ उन्होंने अच्छा किया है। हेल्थ केयर के ऊपर भी कह सकते हैं, इनके जो मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ पे छोटी मोटी बीमारियों के इलाज हो जाते हैं, यानी सर्दी जुकाम बुखार अगर आपको आता है तो आपको बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए आसपास का मोहल्ला क्लिनिक है वहीं पे जाकर आप जो है अपना इलाज करवा पाएंगे। तो ये दो फैसिलिटीज तो उन्होंने डेफिनेटली अच्छी दी है। जो फ्री बिजली और फ्री पानी का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लॉजिकली ठीक ही है क्योंकि अगर आप जो है एक लिमिट के अंदर यूज करते हैं तो आपको जो है जीरो बिल आएगा, उस लिमिट के ऊपर आप जाते हैं तो आपको पूरा चार्ज देना पड़ेगा। तो एक थोड़ा सा ये प्रोत्साहित भी करते हैं कि आप जो है 200 यूनिट के अंदर अंदर अपना बिजली का बिल ले आए। तो एक छोटा परिवार जिसमें हस्बैंड वाइफ है और छोटे दो तीन बच्चे हैं तो उनका जो है 200 यूनिट में बिजली में खर्चा चल जाएगा। तो एक मीटर में जो है 200 यूनिट की बिजली तक वो फ्री देते हैं। थोड़ा बहुत मान लीजिए कोई 250 तक लगता है अपनी मंथली एक्सपेंसेस को तो वो शायद थोड़ा सा कम या बचत कर करके उसको 200 के नीचे लाने की कोशिश करेगा ताकि उनका बिल फ्री हो जाए। तो वो एक साइंटिफिकली ठीक लगती है बात। इसी तरह से पानी का भी है और इसके अलावा कई तरह की और जो यहाँ पे अनियमितता है, इनका बेसिकली जो मेन फोकस होता है वो भ्रष्टाचार को कंट्रोल में करने का होता है और मोदी जी का भी वही है और इनका सारी बातें इनके साथ मैच भी करती है। इनका तो एक स्ट्रांग पॉइंट ये है कि गुजरात इनका गढ़ है और ये जो है बीजेपी जो है यहाँ पे जरूर हिंदू मुस्लिम थोड़ा बहुत करती ही है कि वहां के जो लोकल चुनाव में ये चलता तो है, ये शायद अगर हम मैं ऑफिशियली ना भी कहूँ तो अंदर ही अंदर सबको पता ही है कि भाई ऐसा तो होना ही है। तो मुझे पर्सनली तो यही लगता है कि बीजेपी जो है इस बार भी गुजरात को बचा ले जाएगी। जो केजरीवाल है वो मैक्सिमम जो लॉस करेंगे वो कांग्रेस को ही करने वाले हैं, ये शायद अभी अपनी प्रेजेंस गुजरात के अंदर ना बना पाए। हालांकि पर्सनली मैं यही फील करता हूँ कि जो है केजरीवाल जी की अपनी सरकार बना पाए गुजरात में तो मुझे भी खुशी होगी बाय द वे, पर मुझे लगता नहीं है सारी समीकरणों को देखकर कि गुजरात में अभी बीजेपी को हिला पाना आम आदमी पार्टी के बस की बात है। बाकी राजनीति है और सब कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी
अगर आपकी कोई डिफरेंट राय है कि बीजेपी इस बार नहीं आने वाली है गुजरात के अंदर, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और इस तरह के और भी पॉलिटिकल वीडियोस देखने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।